और फिर झाजम आप कैसे सोचे कि चंपारण मीट खोलना चाहिए, क्या ये विचार कैसे आया आपके मन में? के लिए तो फर्स्ट टाइम है कि सेकेंड? नहीं, दो तीन बार हम आ चुके हैं, दो तीन बार, मतलब दो तीन बार आ चुके हैं। अच्छा, चंपारण का होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, जो पटना में हाँ यहाँ मिलता है वही टेस्ट है, वही टेस्ट है। सो गाइस, डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है, और थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं। तो चल, आप लोग सोचते होंगे कि हम पटना में हैं, पर पटना में नहीं है, झाजा में ही है। आज झाजा में खुल गया है चंपारण मीट हाउस, जो हांडी में मीट बनता है, और देख रहे प्रेशर से बनता है, स्टील से बनता है, और लकड़ी का कोयला से, और एक घंटा लगता है स्टीम में बनने में। और ये कहाँ खुला है झाजा में, तो आपको दिखाते हैं, ददन चंपारण मीट हाउस। ये आपका बस स्टैंड में खुला हुआ है ददन चंपारण मीट हाउस, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अंदर चलते और पूछते ओनर से कि दुकान कब उद्घाटन हुआ है, तो पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अंदर जा रहे, अब देखते हैं अंदर कैसा डेकोरेशन है। तो चलते हैं झाजा में, चंपारण मीट खुला है, जो लोग पटना जाते थे हांडी का मीट खाने के लिए पर्सनली, और झाजा में खुल गया, तो चलिए ओनर से बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे झाजा और झाजा वासियों को। नाम शर्मा हमारा नाम है। अच्छा, और फिर झाजा में आप कैसे सोचे कि चंपारण मीट खोलना चाहिए, क्या ये विचार कैसे आया आपके मन में? झाजा वासियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी झाजा में, बैठने के लिए अच्छा था, मेरे रेस्टोरेंट नहीं था। हाँ, मैंने सोचा कि झाजा वासियों के लिए कुछ सुविधा किया जाए, कुछ क्वालिटी मेंटेन। अच्छा, इसीलिए बहुत दिन से सोच रखे थे झाजा वासियों के लिए, हांडी मटन, हांडी चिकन, बैम्बू का आइटम, बिरयानी जैसे, ठीक है। और हमारे यहाँ स्पेशल आइटम बहुत सारे हैं। अच्छा, तंदूरी एक हो गया, तंदूरी मटन फूल पान हो गया। तो ये सोच आपके झाजा में रहे कि सोचे कि चंपारण मीट की कहीं और रहेंगे? हम झाजा से पहले बाहर रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सारा टाइम एक्सपेंड किए लाइन में, हमको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि झाजा में भी ये सुविधा होना चाहिए। हाँ, बस यही रीज़न है कि हम तो स्टार्टअप है। हाँ, आगे पीछे चलता है। अच्छा, एक बार सेटअप बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, ये दुकान उद्घाटन कब हुई? 15 अगस्त को हुआ था। अच्छा, तो 15 अगस्त तो हम यहाँ थे ना, पटना में थे, और फिर उसके बाद क्या कहते, कहाँ पे एड्रेस बता दीजिए कि लोगों पर। झाजा में बस स्टैंड तेज बहादुर कॉलोनी के जस्ट बगल में। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन सुविधा जैसे फ़ोन करके डिलीवरी वगैरह? आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ, आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, होम डिलीवरी हो जाएगा। कॉल भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर करवा सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, अंडर 3 किलोमीटर फ्री है। अच्छा, उसके आगे चार्जेज होंगे जैसा एक्सचेंज होगा, जैसा उसका चार्ज होगा, बाकी कोई पैकेजिंग चार्ज नहीं है हमारा, कोई भी ऑर्डर पर पैकिंग। तो 15 अगस्त को खोले, तो आपका दुकान अभी चल रही कि नहीं? अच्छा, हमारे यहाँ मॉर्निंग में आपको हमारे यहाँ खाना 1 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ, रात के 9 बजे तक आपके यहाँ। अच्छा, तभी माल कितना आइटम वगैरह भी मिल जाएगा? अच्छा, जैसे मोमो हो गया, रोल हो गया। हाँ, रोल का वैरायटी मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हांडी का मीट नहीं रखते, बाकी और कुछ रखते? फैमिली रेस्टोरेंट में जो भी प्रोडक्ट हाँ मिलता है वो टोटल फैसिलिटी आपके यहाँ मिलेगा। अच्छा, मतलब फैमिली वाले आएंगे तो फुल एंजॉय करके जाएंगे? कर सकते हैं। अच्छा, अब फैमिली के लिए सुविधा भी है? अलग से स्पेशल केबिन बनवाया है फैमिली के लिए। अच्छा, आप बैठ के सिक्योर आराम से खा भी सकते हैं। अच्छा, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या कोई कंपनी का मीटिंग वगैरह। हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं कुनार शर्मा जी, ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, और हम लोग भी आएंगे फ्रेंड के साथ यहाँ पे, तो ट्राई करेंगे। और आप आइए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और ठीक, आप आके देखिए, ठीक है।
बाकी अच्छा बना हुआ है। तो ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स को बोल देते हैं थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। ठीक है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेशन है। 15 अगस्त को उद्घाटन हुआ है, तो आप लोग ज़रूर आएँ और चंपारण मीट का आनंद लें। और देख रहे कितना प्यारा डेकोरेशन है। अंदर देखिए केबिन का भी सुविधा है, जैसे आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको दिखाते हैं अंदर। देखिए वाह, देख कितना प्यारा। फैमिली के साथ आ रहे तो खा भी सकते हैं, जैसे कुछ कंपनी का मीटिंग है तो यहाँ पे आके बैठ के मीटिंग भी कर सकते हैं और चंपारण मीट का मज़ा भी ले सकते हैं। देख रहे कितना प्यारा बना हुआ है, तो एक बार ज़रूर आएँ बस स्टैंड और चंपारण मीट का एक बार आनंद ले। तो आप यहाँ पे क्या करना है खाने के लिए? अच्छा, चंपारण मीट। तो अच्छा, तो फर्स्ट टाइम है कि सेकेंड? दो तीन बार आ चुके हैं। अच्छा, तो कैसा टेस्ट है? टेस्ट बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो फैमिली के साथ आए कि ना? फैमिली, एक बार फैमिली के साथ आए। अच्छा, संजय था तो सोचे अकेले चले। अच्छा, तो डिनर आज करके, आज यहीं से डिनर करते हैं। अच्छा, तो टेस्ट पूरा चंपारण का, पूरा हांडी का टेस्ट? हाँ, हांडी में जो होता है चंपारण का होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, जो पटना में। हाँ, यहाँ मिलता है वही टेस्ट है। अच्छा ठीक है, अभी ऑर्डर दिए हुए हैं? हाँ, ऑर्डर दिए हुए हैं। अच्छा, 5-10 मिनट टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा। तो ठीक है भाई जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? विजय सर। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। ठीक। सो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हांडी का मीट और ददन चंपारण मीट हाउस। और नंबर भी दिया हुआ है, आप फ़ोन करके ऑर्डर भी दे सकते हैं और एक बार ज़रूर विजिट करें। ये आपका पड़ेगा बस स्टैंड तेज बहादुर रोड आपका। तो एक बार ज़रूर विजिट करें और चंपारण मीट का आनंद लें। अभी के लिए मिलते हैं फिर आपसे। आ गए हैं चंपारण मीट वाले से और रिव्यू लेके, झाझम खुल गया। आप लोग जरूर जाएं और ज़रूर ट्राई करें। और अब घर आए हैं तो आज मैच भी है इंडिया पाकिस्तान, तो आपको दिखाते हैं। देखिए पकौड़ी है, चना है, शाम का नाश्ता और यहाँ पे मैच है इंडिया पाकिस्तान। अभी एक ओवर हुआ है, एक ओवर में 11 रन, एक ओवर 2 बॉल 12 रन। रोहित शर्मा 10 पे खेल रहे हैं और केएल राहुल 2 पे खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन, वाह क्या बात है। इंजॉय कर रहे हैं मैं। ठीक है दोस्तों, अब मैच देख रहे हैं, अब डिस्टर्ब क्या करें आप लोगों को भी। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें कि जितना भी नई वीडियो आएंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और चंपारण मीट झाझम खुल गया है, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करें और कैसा है बताएं, क्योंकि वहाँ के कस्टमर से पूछे हैं तो बताएं अच्छा मीट बनाए। तो आप लोग भी एक बार जाकर ट्राई करें। तो अब चलते, इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखें, खुश रहें, परिवार के साथ रहें। लव यू गाइस, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल आपसे।